नमस्कार, मेरा नाम संजय कुलकर्णी है। मैं एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। महिलाओं में वो आदत होती है कि भाई कहीं भी पार्टी में जाए और कहीं जाए, कोई फंक्शन में जाए, गहने दिखाना, साड़ी दिखाना और उसके बारे में चर्चा करना, ये तो आम बात है। मगर गुप्ता जी के घर में ये जो घटना घटी है वो ज़रा अलग से अलग है, और उसका जो ढंग है वो भी अलग है। मैं ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद आपको वो पसंद आएगा। मिसेस गुप्ता जी रोने लगी, इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि भाई घर वाले परेशान हो गए, अड़ोस पड़ोस वाले परेशान हो गए, सब जमा हो गए। आखिर आंटी जी को हुआ क्या है, ये रोने का कारण क्या है, इस समस्या का क्या क्या समस्या हो सकती है जिसकी वजह से घर गृहस्थी में तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी कि जिसकी वजह से गुप्ता मैडम रोने लगी। तो पहले तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि भाई रतन जी इनके शर्मा जी के पड़ोसी थे, वो गुजर गए। तो पड़ोसी ने कहा कि भाई उनको तो कभी हमने देखा नहीं है, ना कि आप कभी उनसे मिले हैं, कभी उधर गए हैं। फिर वो फूट फूट के रोने लगी। उसके बाद में एक सीताबाई ने, कोई वृद्ध औरत ने उनसे नज़दीक जाके पूछा, भाई क्या मसला है, क्या मामला है, आप इस तरह क्यों रो रही हो? तो उसका जवाब वो तो कुछ दे नहीं रही थी। उसके बाद में वो सीताबाई ने उनको कहा कि भैया आपका गम का कारण तो आप बता नहीं रही है, मगर मैं एक चीज़ आपके पास देख रही हूँ, आपके गहने बहुत अच्छे हैं, आपने अच्छे गहने पहने हैं। तो फिर तो और ज़्यादा ज़ोर से रोने लग गई। अरे यार, ये तो दिखाने के लिए तो मैंने ये सब नाटक कर रही थी। अगर आप किसी शादी फंक्शन में जाओ तो वो गहने वगैरह दिखाने का, नए नए गहने पहनने का, या साड़ी भी पहनी है, अरे यार ये तो किसी ने पूछ लिया कि भाई नई साड़ी है क्या, तो वो बताएगी नहीं यार वो तो पुरानी है, मैंने अभी डाली है। इसका मतलब ये, कई बार ये ऐसे हम सोचने लगते हैं कि भाई इसके बाद में शायद कितने साड़ियाँ इसने खरीदी होगी, ये तो पता नहीं है। मगर गुप्ता जी की ये कहानी शायद आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आता होगा या पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरह मैं हंसाता रहूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसने का फायदा यह है कि भाई आप हमेशा आनंदी रहेंगे, निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।